We are doing chapter 12 area related to circles. Last class में हमने discuss किया था about area of sector and area of segment and length of arc. एक बार formula revise कर रहे हैं. This region is minor sector, okay, and above portion is major sector. So what is the formula of area of sector? क्या था बताओ? Theta upon 360 into pi r square. वेरी गुड. एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सेंटर ओ है, तो आपको ज्वाइन करना है पहले ओ एंड ओ बी को, राइट? सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट? एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल. अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, हमें वो फॉर्मूला अभी याद रखने की जरूरत नहीं है. हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में यूज करेंगे. और यहाँ पे थीटा डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेक्टर का फाइंड कर रहे हो. अगर माइनर का फाइंड कर रहे हो तो ये थीटा हम यूज करेंगे, मेजर का फाइंड कर रहे हो तो आप ऊपर वाला थीटा यूज करो. एंड नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क. फॉर एग्जाम्पल ये ए बी आपकी लेंथ है, ये माइनर माइनर आर्क है, इसकी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर. तो ये आपके न्यू फॉर्मूले यही है बस इस चैप्टर में, और तो जो सब आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं वही यूज करेंगे हम. ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? यहाँ पे आपको given है कि उसकी speed given है कि 1 hour में, it means ये given है आपको कि 1 hour में वो 66 km distance cover करती है car. समझ आया? तो for example ये wheel है, okay? ये wheel है, wheel of a car है. So, आपको क्या गिवन है? इसका डायमीटर गिवन है 80, इट मींस रेडियस आपका 40 हो गया. ओके, अब आपको ये गिवन है कि इसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आ रहा है, इट मींस 1 आवर में या 60 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है व्हील? 66 किलोमीटर. हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ व्हील इज 80 सेंटीमीटर, देयरफॉर radius of wheel will be 40 centimeter, 80 upon 2, 40 centimeter. और हमें given है speed of car is 66 kilometer per hour. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? Therefore, wheel covers distance in 60 minutes. 60 minutes में मैं लिख सकती हूँ कितना distance cover कर रही है, 66 kilometer. तो 10 मिनट्स में वो कितना कवर करेगी? देन व्हील कवर्स डिस्टेंस इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में कितना होगा बताओ? 66 अपॉन 60 इंटू 10, राइट? कितना आ रहा है? 11 किलोमीटर. क्लियर? ओके, अब आपको एक चीज यहाँ पे नोट करनी है कि आपको जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में गिवन है और डिस्टेंस आपका किलोमीटर है, ठीक है? और हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. तो नंबर, तो नंबर में यूनिट नहीं होगी, बट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको यूनिट सेम करनी है, सेम यूनिट होनी चाहिए. सो 11 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करोगे? पहले मीटर में कर ले इसको, 1000 से मल्टीप्लाई किया मीटर हो गया, अगेन मल्टीप्लाई बाय 100. कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 10 मिनट्स में भी? 500, ठीक है, किलो, सॉरी सेंटीमीटर. ये आ गया. अब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं. अब आप ये देखो कि जो व्हील है वन राउंड वो लगाती है, ठीक है? इतना तो सबको क्लियर हो गया, इतना पार्ट हमने सिर्फ अभी ये निकाला है कि व्हील 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी.
और आपको ये फाइंड करना है कि 10 मिनट्स में कितने राउंड लगेंगे, समझ आया, कितने राउंड्स उसके लगेंगे। तो वो एक राउंड किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, yes, समझ आ रहा है। एक राउंड जो बीम एक राउंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो कितने डिस्टेंस के इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ ए बीम। इतना नोट करो पहले, डन। हाँ हो गया सबका। नेक्स्ट देखो, अब हम नोट करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय बीम इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ओके, एक रेवोल्यूशन में कितना कर दिया, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, number of revolutions will be equal to total distance upon distance covered by one revolution। ऐसे निकालोगे ना, ठीक है, कि उतने डिस्टेंस में कितना किया। तो हमेशा कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन एक में वो कितना कवर करती है। जब भी आप किसी चीज का नंबर फाइंड कर रहे हो ना, नंबर अब कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कोई आपके पास क्यूब होता है कि उसको कट करना है, कि उसके कितने स्मॉल क्यूब बना सकते हो, या कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ऊपर हम टोटल लिखते हैं हमेशा अपॉन में वन का एरिया, या अब इसमें क्या लिखेंगे, वन रेवोल्यूशन का डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। सो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन कितना है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, राइट। या तो आप पहले निकाल के पुट कर सकते हो, अदरवाइज यही सॉल्व करना। टोटल डिस्टेंस हमारा है 11 लाख, सो एंड सर्कमफेरेंस इज 2πr। ओके, अब वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई करो इसको, 2 × 22, 7 आपका ऊपर गया, और r कितना है, 40। ओके, इसको सॉल्व करो तो आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। देखो नंबर है, जब भी आप नंबर फाइंड करोगे ना, आपका आंसर कभी पॉइंट में नहीं आएगा। ओके, पॉइंट में आपका कभी आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, और नेगेटिव तो वैसे ही नहीं आ रहा यहाँ, बट जैसे एपी में होता है, एपी में भी हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते थे, तो आपका आंसर फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं आएगा। हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कवर्ड बाय, आप यहाँ पूरा लिखना, कवर्ड बाय बी इन 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स में निकाल रहे हैं। हुआ किसी का सॉल्व? मैम इसका आंसर आएगा 4365। बाकी स्टूडेंट्स बताना, और कोई बताओ। एक मिनट में ये सबको चेक करना है, क्या पता इसमें मिस्टेक हो गई हो कोई। रवि आप भी चेक करो। मैम मेरा 4000 मैंने तो कर लिया, 5 आ रहा है।
75? यस मैम। ओके, वंशिका का 75 आ रहा है। रवि एक बार आप चेक करो। मैम वंशिका का मेरा तो मेरा आंसर तो पक्का सही आएगा, कर लेना आप भी चेक कर लो। चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इस 7 है या 6 है ये डिसाइड करके बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे। हम 75 आएगा लास्ट। ठीक है, मुस्कान, देवेंद्र, रोहित आपका हो गया, पुलकित नहीं मैम नहीं आ रहा। देखो ठीक है, मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ, यहाँ पे 0 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो सारे टर्म्स कैंसिल करते जाओ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इस साइड। ओके, सो कितना आएगा, 5 2 2 5 10, फिर अगेन 5 6 आएगा, यहाँ कोई 6 बता रहा है, आप 6 बता रहे हो, वंशिका 7, तो अभी हम चेक कर रहे हैं। ओके ठीक है, वैसे डायरेक्ट 11 से पहले कर लेते हैं, अब कर लेते हैं 11 2 11 5। अब 2 से फिर से कैंसिल करते हैं, 2 2 2 2 4 5 0, कितने 0 आएंगे यहाँ पे ये बताओ। देखो इसको ध्यान से करना, 2 0 आ रहे हैं, एंड अब मैं 4 से कैंसिल कर रही हूँ, 75 ही आएगा लास्ट। ओके हाँ, तो जिसको डाउट है सबको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ आपकी यहाँ पे। अब मैं इसको 4 से कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है, 6 2 8, ठीक है, और फिर आपका 2 बचा तो यहाँ पे आ गया 5। अब आप मल्टीप्लाई करो 6 25 × 7, इतना तो करोगे। ठीक है वंशिका, हाँ यही आएगा। ठीक है वंशिका करेक्ट है, आपने कहीं मिस्टेक करी होगी। ठीक है रवि, चलो नोट करो सब, क्वेश्चन क्लियर है। पहले हमने डिस्टेंस निकाला कि डिस्टेंस ही कितना कवर करनी है, आपको यूनिट सेम करनी है, या तो आप दोनों को किलोमीटर में चेंज करो या दोनों को मीटर में, बट यूनिट सेम होनी चाहिए, किसी भी यूनिट में कर सकते हो आप। किसी को सेंटीमीटर को मीटर में करना है और किलोमीटर को भी मीटर में, बट यूनिट सेम होनी चाहिए। डन, ओके। और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एज ए जनरल मीन जनरल आपको पता होना चाहिए, कभी भी आपको नंबर फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल अपॉन 1, वही चीज जो 1 में है। जैसे रेवोल्यूशन है तो मैंने डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन लिखा, ऊपर हमेशा टोटल आएगा। डन हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज 392.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द कोरस्पोंडिंग सेंट्रल एंगल इज 72 डिग्री, फाइंड द रेडियस एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। यहाँ पे आपको एरिया गिवन है, थीटा भी गिवन है 72 डिग्री और एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर इसलिए मेंशन किया बिकॉज थीटा से भी आपको क्लियर हो जाएगा, 180 से लेस है वैसे भी तो ये माइनर ही है। सो माइनर सेक्टर इज 392.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आपको याद रखना है, 22/7 यूज किया तो वहीं से वो कैंसिल कर देंगे, आपको क्वेश्चन को आगे कट करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 × πr² इज इक्वल टू 392.5, ये हमें गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। थीटा पुट करो और पाई की वैल्यू पुट करो, 3.14 × r². कैलकुलेशन आपको कम से कम करनी है यहाँ पे, ठीक है, पहले तो सिर्फ जो डायरेक्ट यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही है हम वो कर लेते हैं, और फिर आपको आर स्क्वायर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना वो स्क्वायर रूट शायद हो सकता है वो किसी का स्क्वायर हो। ओके, और आपको ये 3.14 दिया है तो इससे भी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 5 आ गया तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 392.5 × 5 / 3.14।
अगर पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप पहले ही पॉइंट को हटा सकते हो. ओके, जैसे पॉइंट में कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कैंसिल करते टाइम, जीरो कैंसिल हो गया. अब आप ये 314 आई थिंक या तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा होगा या कुछ कैंसिल हो रहा होगा, चेक करो. किसी से कैंसिल हो रही है ये टर्म्स? एक तो आपका यही कैंसिल हो रहा है, ठीक है, टू से. अब आप चेक करो कि 157 और 3925 ये किसी भी टर्म से कैंसिल हो रहा होगा. कैलकुलेशन ही है बस इस चैप्टर में आपके. फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं वैसे भी, एक दो क्वेश्चन और करोगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे. ओके, 157 से ही कैंसिल. मोस्टली क्वेश्चंस में मैं आपको बता देती हूँ, जब भी पाई की वैल्यू 3.14 बोलते हैं ना तो मोस्टली क्वेश्चंस में कैंसिल होगा. हम R25 आएगा. ये किससे कैंसिल हो रहा है? हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 625 आंसर आ रहा है. 157 25 क्या होता है? 3925. ये आ गया. तो आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप इसको ना डिवाइड, जैसे जब भी आपको पाई की वैल्यू पॉइंट में गिवन है ना तो आप पहले ही ऐसे डिवाइड करके देखो, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो रहा है 25 से. ओके, अब आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं. आपको पता है यहाँ स्क्वायर है और 25 स्क्वायर होता है तो, और 5 5 25, इट मीन्स आर इज 25 सेंटीमीटर. क्लियर है सबको? ऐसे कैलकुलेशन मतलब कम से कम कैलकुलेशन ट्राई करना, तो आपको पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि 25 × 25 नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप लिखो. तो ये आपका देखो कैंसिल हो गया ना, 3.14 से ये 25 से कैंसिल हो गया आपका 157. 25 is 3925. Done? Yes, ma'am. नोट हो गया सबका? Yes, ma'am. Okay, next question. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. अब क्वाड्रेंट है तो या तो आप डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 लिखो, या अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर भी यूज करोगे तो सेम आएगा, बट हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे. आपको थीटा की जरूरत नहीं है यहाँ पे. क्वाड्रेंट मींस क्या होता है? सर्कल का फोर्थ पार्ट. ओके, ये इसका एरिया निकालना है आपको. सो सर्कमफेरेंस आपको गिवन है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए तो आपको आर चाहिए. आर कैसे निकालोगे बताओ, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? मैम सर्कमफेरेंस 2πr होता तो 2πr इक्वल टू 22 कर देंगे, उससे r निकल जाएगा. वेरी गुड, ठीक है, r निकालेंगे. देखो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr, 22 ये कैंसिल हो रहा है. पहले तो यही कैंसिल हो गया आपका 11, वैसे डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो. 22/7 r इज इक्वल टू 11, सो r इज इक्वल टू 11 ये 2/7/2 सेंटीमीटर. पॉइंट में नहीं करना है इसको कन्वर्ट, ठीक है, कौन में रखेंगे हम. क्लियर है? r सबका आ गया 7/2 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, area of quadrant of a circle. Formula is pi r square upon 4. वैसे आप pi में भी निकाल सकते थे, r की value ना pi की terms में भी आप रख सकते थे, but कोई बात नहीं. अब देखो यहाँ pi is 22/7 and r is 7/2 × 7/2. इसलिए मैंने बोला था कि upon में रखना, क्योंकि आपकी 7 cancel हो रहा है और एक 2 cancel हो जाएगा. कितना अच्छा 4 भी है, अभी रुक जाओ, यहाँ 4 नहीं लिखा है ना मैंने. देखो फिर से नोट कर रही हूँ यहाँ पे,
आपका क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर. सो 22/7 इंटू फोर इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मीन 7/2 इंटू 7/2. अब इसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो अब निकालो आंसर. ये पॉइंट में आ रहा है, बताओ पॉइंट में निकाल के. आपको टू डिजिट हमेशा निकालने आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एटलीस्ट टू. एक नहीं निकालना, बिकॉज एक अगर निकालोगे ना तो हो सकता है टीचर आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर ले. तो टू निकालना. अब थ्री भी निकाल सकते हो, बट थ्री से ऐसा तो है नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो काट सकते हैं. डन? यस मैम. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज एट रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find area between the two consecutive ribs of the umbrella. Consecutive means जो लगातार है, या आपका अगर आप umbrella को बिल्कुल top से देखोगे तो वो circle दिखेगा आपको. ठीक है, इसलिए बोला इन्होंने कि assuming umbrella to be a flat circle. तो मैंने circle बनाया. Now we have eight ribs हैं इसमें. So, ये तो हमारी हो गई हैं 4, 6, 7 और 8. 8 एंड टोटल काउंट करोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिब्स हैं. ओके, और आपको गिवन है रेडियस विच इज 45 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, मींस कोई भी दो रिब्स के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करना है. समझ आ गया? कोई भी ले लो. तो इट मींस आपको इसका थीटा चाहिए होगा. अगर आप सिर्फ ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, कोई भी ले लोगे वो तो इक्वल डिस्टेंस है, और थीटा भी सेम होगा. थीटा आपको गिवन नहीं है, राइट? आर तो गिवन है लेकिन थीटा नहीं गिवन है. तो कैसे सॉल्व होगा बताओ. थीटा कैसे फाइंड करोगे? रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आर इज 45 सेंटीमीटर. थीटा कितना होगा? थीटा आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे इक्वली स्पेस डिवाइडेड है, इट मींस 8 एंगल्स बनेंगे. समझ आ रहा है? तो मैं लिख सकती हूँ 360/8. देखो टोटल एंगल होगा 360. कितने एंगल्स में डिवाइड हो रहा है? 8. कितना आ गया थीटा की वैल्यू बताओ, कितनी आ गई? मैम 45 आ रही. 45 डिग्री, इट मींस थीटा इज 45 डिग्री. क्लियर है? तो आपको ऐसे थीटा फाइंड करना है. नाउ एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स विल बी थीटा अपॉन 360. क्या बन रहा है आपका? सेक्टर ही तो बन रहा है ये, है ना? सेक्टर ही तो है ये. सो सेक्टर का फॉर्मूला आप यूज करोगे विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पुट करो सारी वैल्यूज और सॉल्व कर दो. 22/7, R is 45. सॉल्व करो. अब कैलकुलेशन बिल्कुल सही करनी है.
डन रमेश का आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आ रहा है, कैंसिल तो नहीं रहे ना, पॉइंट में ही आएगा। 7795.53 आ रहा मेरा तो 7985.83 53 53। ठीक है अभी चेक करते हैं, एक दो बच्चे और कर लेते हैं। यस मैम ये आ रहा है। ठीक है करेक्ट है। ठीक है रोहित यही आंसर है फिर। ठीक है आंसर नोट करो आप, जिसकी कैलकुलेशन नहीं हुई बाद में करना। डन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. आपको क्या गिवन है, यहाँ पे एक क्लॉक है, दिस इज अ क्लॉक एंड मिनट हैंड है, दिस इज मिनट हैंड। सो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, इसका आपको ये गिवन है 14 सेंटीमीटर, ओके मिनट हैंड का डिस्टेंस लेंथ। द फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो यहाँ पे जैसे 12 होता है ना, 1 पे जाएगी तो इतना, ये इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो एक तरीके से आप देखो तो ये क्या बन रहा है आपका क्वाड्रेंट, सॉरी सेक्टर ही तो है, आपको थीटा निकालना है। ठीक है आपको क्या निकालना है, थीटा। और इसमें आप थीटा कैसे फाइंड कर सकते हो बताओ, थीटा कैसे निकालोगे। ओके देखो नोट करो, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर राइट। अब आपको फाइंड करना है थीटा। अब पूरा एंगल तो 360 बनता है, इन वी नो दैट इन 60 मिनट्स मिनट हैंड मेक्स ए एंगल ऑफ 360 डिग्री, तो 1 मिनट में निकालोगे और फिर 5 मिनट्स में, समझ आ गया। ओके सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी 360 डिग्री, और 1 मिनट में 360/60, सो 5 मिनट्स में कितना होगा 360/60 × 5, कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ। अभी आ रहा है 25 30 आ रहा है। ओके हां 30 ओके 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री, आर इज 14 सेंटीमीटर। अब आप एरिया निकाल सकते हो ना, यस मैम। एरिया निकालो, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स, सॉरी 5 मिनट्स। ऐसे आपको क्वेश्चन में ना कुछ भी आ सकता है, मींस वो 5 मिनट में पूछ सकते हैं आपसे, या आपसे पूछ सकते हैं 10 मिनट्स में, तो 10 मिनट्स में आप निकाल सकते हो एंगल। और सिमिलरली वो आपसे आर एंड की भी पूछ सकते हैं, आर एंड में, तो आर एंड में क्या लिखोगे कि आर एंड में, तो वो पूरा 1 आर में कवर करती है, ठीक है 1 आर में 360, वो आर पे डिपेंड करेगा। जैसे आर में नहीं आएगा आपका, सेकंड वाले में आ सकता है, सेकंड वाले जो सेकंड हैंड होती है ना उसके लिए आ सकता है, सेकंड हैंड में आपको 60 मिनट्स की प्लेस पे लिखना होगा 60 सेकंड। सो अब लिखो नेक्स्ट, एरिया by minute hand in 5 minutes is equal to theta upon 360 into pi r square. Theta is 30, 360, pi is 22/7 and r is 14. Answer batao.
पॉइंट में आएगा नहीं, 61.33 आ रहा है। चेक करो पॉइंट में है या नहीं है, देखो मेरा तो 47.38 आ रहा। पॉइंट में ही है, बताओ कितना है? मेरा 47.38 आ रहा। 47.38 यस मैम। मेरा 51.33 आ रहा है। यही है मेरा भी। कितना है? 51.33 आ रहा है। 50.33 अपना आंसर एक बार कैलकुलेशन दोबारा करना। ओके सो ये आपका आंसर है। डन। तो कैसे हमने किया, पहले हमने 5 मिनट्स में एंगल कितना बनाया था वो फाइंड करना, और जो लेंथ है वही आपका रेडियस है। एंगल हमने निकाल लिया कि 60 मिनट्स में 360 डिग्री, सो 5 मिनट्स में 360 अपॉन 60 इनटू 5। डन। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ए हॉर्स इज टाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Horse is tied to a peg at one corner or a square-shaped grass. आपको figure given है NCERT में इसमें, ठीक है? Square shape given है, यहाँ पे grass है, field है means इसमें grass है, grass field है. Side is 15 meter by means of a 5 meter long rope. तो एक horse को tie किया हुआ है यहाँ पे, इस किसी भी एक point पे, एक किसी भी एक कॉर्नर पे आप कर सकते हो। यहाँ पे होर्स है, ठीक है, ये होर्स है। सो जो रोप की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर। क्लियर? मीटर में है दोनों चीजें, यूनिट हमेशा चेक करनी है आपको, दोनों अभी मीटर में। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हाउस कैन ग्रेस, मीन्स वो कितने ग्रास को खा सकता है ना इस एरिया में। ऐसा तो है नहीं वो आगे तो जा ही नहीं सकता, सिर्फ वो इतना ही इतनी वाली ग्रास को खा सकता है ना, देखो। और अगर आप इसको ड्रॉ करते हो ना, इतनी 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 प्लेस पे वो घूम सकता है, राइट? क्योंकि रोप इतना ही लंबा, इससे आगे तो नहीं जा सकता। समझ आ गया क्वेश्चन? तो जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इस पोर्शन में जितनी ग्रास होगी वो वही खा सकता है, इसके अलावा नहीं। घूम तो यहाँ भी सकता है बट यहाँ ग्रास नहीं है और इससे आगे वो नहीं जा सकता। तो आपको फर्स्ट जो है वो चीज तो ये निकालनी है कि एरिया कितनी वो ग्रेज कर पाएगा जब उसकी लेंथ ऑफ रोप कितनी है? 5 मीटर। समझ आ गया क्वेश्चन? बताओ। ओके, तो अब स्क्वायर आपको गिवन है, उसमें आपको साइड गिवन है 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। 5 ये क्या होगा, जो 5 मीटर लेंथ ऑफ रोप है वो क्या होगा? रेडियस ही होगा, ठीक है? और इसमें थीटा कितना होगा, मुझे थीटा बताओ। जो ये एरिया निकालना है इसमें थीटा कितना होगा बताओ। एक तो मैं आपको ये बताती हूँ, इस क्वेश्चन में 15 मीटर का कहीं यूज नहीं है, ठीक है, आपको नहीं करना है यहाँ पे। बट वो इन्होंने इसलिए दिया है ताकि वो आपको लेंथ ऑफ रोप बताएं कि वो उससे कम ही है, ये सिर्फ इतना डिसाइड करने के लिए। क्योंकि अगर आपको स्क्वायर की लेंथ ही नहीं बताएंगे, स्क्वायर का मतलब साइड की डिस्टेंस नहीं बताते, तो आप सोच सकते हो क्या पता स्क्वायर 2 मीटर का, उस केस में तो वो सारी खा सकता है ना। इसलिए सिर्फ 15 मीटर उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ लिख दिया है ताकि थोड़ा सेंसिबल हो, अदरवाइज 15 मीटर का यूज नहीं हो रहा है। वरना मोस्टली क्वेश्चन में जो दे रखा होता है, गिवन होता है, उसका यूज करते हैं हम, लेकिन इसमें यूज नहीं हो रहा। बट क्वेश्चन को ये कंप्लीट तभी करेगा जब वो साइड बताएंगे उसकी, स्क्वायर की। तो अब मुझे ये बताओ इसमें एंगल कितना होगा, शेडेड रीजन में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री, यस मैम। ओके, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री, राइट? सो अब आप लिखो, लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर विच इज रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज 5 मीटर, सो एरिया एंड आप लिखो एंड एंगल, एंगल वी नो दैट, आप सीधा लिखना वी नो दैट दिस इज ए स्क्वायर, वी नो दैट इन ए स्क्वायर ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच,
each angle is 90 degree. Therefore, area of field grazed by holes. कितनी ग्रास लेगा वो? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट केस तब है तब आपकी लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर है और आपको पाई क्वेश्चन में गिवन है 3.14. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360, पाई इज 3.14 एंड आर इज 5. आगे आप सॉल्व करके मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओगे. कंप्लीट ही डिवाइड हो रहा है. ठीक है, वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होगा, अगर 3.14 है तो वो किसी से कैंसिल होगा. कितना आंसर आ रहा है बताओ, पॉइंट में मिस्टेक नहीं करना. किसी को अभी भी कंफ्यूजन होती है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज जिसको होती है कंफ्यूजन आप डेसिमल को रिमूव करके अपॉन 100 लिखा करो. मैम कुछ 19.62 आ रहा है. 19.62? यस मैम. बाकी स्टूडेंट्स बताओ. यस मैम, यही आ रहा है. मीटर स्क्वायर. ओके, मीटर में ही था ना. एक मिनट, जिसमें भी यूनिट आप चेक कर लेना मीटर ही है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो. Find the increase in area, increase in grazing area means कितना increase होगा if the rope were 10 meter long. अगर वो 10 meter long होती, अभी तो 5 है. For example यहाँ 10 होती, इसी rope को हम extend कर देते हैं यहाँ 10, यहाँ तक पहुँच गई तो अभी कितना वो cover कर पाएगी? इसका double होता है. Sorry, 10 यहाँ नहीं आएगा, 10 थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि ये तो 15 हो गया. इतना लगभग इतना होगा, इतना मान लो. डबल नहीं हो सकता है. ओके, जरूरी नहीं है डबल होगा. यहाँ पे आप निकाल के आप देखना. और उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितना होगा, उन्होंने पूछा है कितना इंक्रीज हुआ. इट मींस मैं देखो ये वाला एरिया शेड करती हूँ, दूसरे कलर से मैं आपको दिखाती हूँ कि वो भी क्या पूछ रहे हैं. इंक्रीज इन एरिया मीन्स ये वाला रीजन पूछा है. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले आपको पूरा निकालना पड़ेगा, उसमें से 5 मीटर वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा. राइट, समझ आ गया? बस आपका आर चेंज हो गया है, बाकी सब सेम है. तो इसलिए इन्होंने 15 मीटर आपको दिया था, ताकि क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई तो हो कि स्क्वायर का कितना साइड है. तभी तो अगर 15 ही हो तो क्या पता 15 से भी कम हो. मैम इसमें तो इंस्टीट्यूट बोला है ना कि 5 मीटर के भी, मतलब 5 मीटर के अलावा 10 मीटर, तो 15 मीटर ही हो जाएगा. नहीं नहीं, सिर्फ रोप की 10 बोला है, 15 नहीं बोला है. ठीक है, रोप 10 मीटर लॉन्ग हो इंस्टेड ऑफ 5, मीन्स 5 की बजाय 10 मीटर हो उसका, उसकी लेंथ. ओके, ये मीनिंग है इस लाइन का जो लिखा है ना, 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. 5 मीटर ना होके वो 10 मीटर लॉन्ग है रोप. तो कितना डिस्टेंस इंक्रीज, सॉरी कितना एरिया इंक्रीज होगा उसका, तो आप पहले निकालो. यहाँ ये हमारा था एरिया बाय 5 मीटर रोप. अब हम निकालते हैं, सेम क्वेश्चन करना है. Area grazed by horse when length of rope is 10 meter long. Okay, so theta to same hai 90 degree upon 360, pi is 3.14, sirf aapka r change ho gaya which is 10. Samajh aa gaya? Solve karo. Yes, okay, अब देखो, आप देखो रोहित, क्या डबल है एरिया?
डबल नहीं है ना, उससे भी ज्यादा है कहीं, तो वो डिपेंड करता है कि रेडियस क्या है. किसी केस में हो सकता है कि डबल रेडियस पर डबल एरिया आ जाए, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ. अब हमें फाइंड करना है देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया, कितना इंक्रीज हुआ. सो सबट्रैक्ट कर देंगे हम 78.5 माइनस 19.62, ये आपका आंसर हुआ. किसी ने सॉल्व नहीं किया अभी तक, सबट्रैक्ट करना है बस लास्ट में, तो आपको यही आ रहा है आंसर. ठीक है, तो ये आपका आंसर है, नोट करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. आप 15 मीटर का हमने कहीं यूज तो नहीं किया देखो, बट वो जरूरी इसलिए था क्योंकि आपको पता लगे, क्या पता वो उसके स्क्वायर अगर 5 मीटर का ही होता तो उसकी साइड अगर वो तब आपसे पूछता, तो इसलिए उन्होंने गिवन है यहाँ पे दिया है कि जो स्क्वायर की साइड है 15 मीटर है. डन. ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अब हम.